स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3rd ऑफ 12th चैप्टर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई 22/7 क्वेश्चन 1 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस 12.19 फिगर इफ पी क्यू आपको क्या गिवन है 24 एंड पी आर इज 7 ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल. देखिए सबसे पहले आप रफ स्केच बनाइए. यू नो दैट एंगल कंस्ट्रक्ट इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल. तो पी हमारा क्या है यहाँ पे राइट एंगल है. अगर पी हमारा राइट एंगल है तो 90 के सामने जो साइड होती है वो हमारी क्या है हाइपोटेनियस है. ठीक है तो यहाँ पे हमें ये क्या गिवन है पी क्यू इज 24 पी आर इज 7 एंड क्यू ओ इज सेंटर. पी आर क्या है 7 और पी क्यू क्या है 24. तो हमें क्या निकालना है आर क्यू. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आर क्यू क्या है. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर. आर क्यू वी हैव टू फाइंड आर पी 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर 49 प्लस 576 इनका सम 625 होगा. आर क्यू स्केयर दिस स्केयर रूट बोथ साइड अगर हम करते हैं तो ये साइड हमारी कितनी आ जाएगी 25. यानी जो डायमीटर है आर क्यू क्या है हमारा डायमीटर है वो कितना आ गया है 25. अब जो शेडेड रीजन है वो कैसे आएगा. सेमी सर्कल में से हम ट्रायंगल को माइनस करेंगे. एरिया ऑफ शेडेड रीजन ठीक है इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल. सेमी सर्कल जिसमें डायमीटर क्या है 25 तो रेडियस क्या आ जाएगी 25/2. सेमी पाई आर स्क्वायर होता है कंप्लीट सर्कल का. सेमी के लिए आगे 1/2 और माइनस में ट्रायंगल कैसी है राइट एंगल तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट. नाउ सोलिट 1/2 टेक आउट कॉमन. हेयर इज पाई आर स्क्वायर एंड हेयर बी मल्टीप्लाई एच यहाँ पे रह जाएगा 1/2 पाई इज 22/7. रेडियस हमारी क्या है 25/2 मल्टीप्लाई में 25/2 माइनस में बेस आपका क्या है देखिए 7 और 24 7 मल्टीप्लाई में 24. यहाँ पे कट करोगे 7 1 जा 7 3 जा 1/2 3 मल्टीप्लाई में 225 की मल्टीप्लाई 625/4 माइनस में सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई. तो 7 को आप कट नहीं करोगे. ये 22 था जो कि कट नहीं होगा 7 पे. जस्ट आप इसको ऐसे ही रखिएगा. ये पोर्शन आपका रॉन्ग है. अब यहाँ पे देखिए आप सोल्व करोगे 2 पे 11 1/2 11 मल्टीप्लाई 625 अपॉन में 7 2 जा 14 माइनस में 168. आप इनका लोगे एलसीएम 1/2 एलसीएम क्या आएगा 14. यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई ये आएगी 1 एलसीएम लोगे 14 तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपका आएगा 4 5 2 3 सब्ट्रैक्ट करोगे अपॉन में 14 और आप इसको लिख सकते हो 14 2 जा 28. एरिया है आपका किस में रहेगा सीएम स्क्वायर में. नाउ कम टू द सेकंड सम. सेकंड देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 12.20 फिगर. इसमें जो सेक्टर का एंगल है आपको क्या गिवन है 40 है और कंसेंट्रिक यहाँ पे सर्कल है. देखिए तो यहाँ पे जो हमारा सेक्टर है ओ ए सी यहाँ पे बी है और डी है. आपको शेडेड रीजन निकालना है. शेडेड रीजन ये क्या है देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी इसमें से हम ये इक्वल का साइन है माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी को हम माइनस करेंगे. यहाँ पे देखिए थीटा आपको क्या गिवन है 40 सेंटीमीटर है और जो
बिग रेडियस है, बिग सर्कल की सेक्टर की रेडियस है वो हमारे कितनी है 14, और स्मॉल रेडियस हमारे क्या है 7. नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर बिग सेक्टर माइनस में थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल सेक्टर. तो यहाँ पे देखिए थीटा अपॉन 360 और पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. थीटा इज 40 अपॉन में 360 पाई इज 22 अपॉन 7. जो कैपिटल सॉरी बिग सर्कल की रेडियस है 14 की स्क्वायर माइनस में 7 स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसको कट करोगे 9 पे, बाहर रहेगा आपका 22 अपॉन में 7 और 9 और 14 स्क्वायर 196 माइनस में 49. तो यहाँ पे 22 9 जा 198 अपॉन में 7 और सब्ट्रैक्ट करो. यहाँ पे जो हमने कट किया था यहाँ पे नीचे आपके डिनो में क्या है 9 है, तो 198 12 9 जा सॉरी ये मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे ओनली 22 अपॉन में 9 इंटू 7 एंड दिस. तो यहाँ पे है आपका 22 अपॉन में 9 इंटू 7 और मल्टीप्लाई में क्या है 147 7 1 जा और 21, तो 33 जा 37 जा अपॉन में 3 cm square, विच इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन.